दोनों फाइनल है यार, धांसु एक्टिंग करेले दोनों। सच्ची ये हुई ना बात, टक्कर टक। मैं अभी जाके गली में सबको बताती हूँ। अरे रुको सुनो मुक्कु, अब देखिए मुझे नाटक में लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस प्लीज बच्ची को ले लीजिए क्योंकि बच्ची काफी अच्छी है। नमस्ते मैडम, आप ये मैडम है ना? शेखर ये डीएम मैडम है, कल्याणी देशमुख। मैडम आप क्यों हैं? मैडम आप हमें बुला लेती? अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब वैसे आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? एक सेकंड। क्या आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? 4 साल पहले ये स्टेशन से गायब हो गया था, ये फोटो 4 साल पुरानी ही है। मैं जानती हूँ मुश्किल होगा पहचाना, पर क्या आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? नहीं, इसको तो नहीं देखा मैंने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा काना, मेरा बिल्लू मेरे आसपास ही है, बस मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। अम्मा। अरे क्या हो गया? अरे क्यों चिल्ला रही है? अरे बस बस, मेरे को नाटक में हीरोइन का रोल मिल गया अम्मा। कब आए? क्या किया तूने? ये क्या किया? ऐसे ऐसे नीले रंग में गई थी तू वहाँ पे? क्या कहा था मैंने, भूल गई? क्या बोला था मैंने? हाँ कि ये नीला रंग घिस घिस के निकालना है, बोला था कि नहीं? जिस बातों के खिलाफ जाएगी तू, चुप जा। घिस घिस के तेरे छिलके ना निकाल दिया ना तो देखना। गलती करेगी तो झेलना तो पड़ेगा ना। सब कौन हो सकता है? मल्हार, मुक्कू अंदर रसोई में जाके छुप जा, जब तक मैं ना बोलू निकलना नहीं, समझी? चल। कौन है? प्लीज क्या बात है साहब? इस आदमी को देखा है आपने? नहीं साहब, कौन है ये? यशवंत, छटा हुआ बदमाश है, भागकर आपके मोहल्ले में छुपा हुआ है कहीं। कोई भी खबर मिले आपको तो पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म कीजिएगा। हो सर। ध्यान रहे, भूलिएगा मत, बहुत ही खतरनाक आदमी है। चाहे जो भी हो, मैं मल्हार और कल्याणी को मुक्कू तक पहुंचने नहीं दूंगी, वरना वो तो मोक्ष तक भी पहुंच जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुक्कू इधर आ, जा जाके नहा ले, ये नीला रंग पूरा निकलना चाहिए, समझ गई? चल। गुस्सा मत करो ना, आप ऐसे गुस्से में अच्छी नहीं लगती। बस मैंने कहा ना, जाके ये नीला रंग निकाल, समझ में नहीं आता है? बार बार आके चिपकती रहती जैसे मैं इसकी आई। मेरी आई? अम्मा मेरी आई के बारे में कुछ बताओ ना, कैसी थी वो? एक नंबर की संकट थी वो, सुन लिया? हाँ चल जा। संकट, इसका मतलब मेरी आई का नाम संकट है।
अब तो मैं अपनी आई को ढूंढ ही लूंगी। मेरी आई संकट। चले बस एक बार कल्याणी से मिल लेती हूँ। अनुप्रिया, कल्याणी इतनी जल्दी नहीं आने वाली। अब वो तो उस बेटे को ढूंढने गई है जिसके साथ उसका कोई रिश्ता भी नहीं। बेवकूफ है वो। पता नहीं उसे एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही कि मोक्ष के मिल जाने के बाद भी वो मोक्ष मलार राणे रहने वाले और एक बेटा अपने बाप के साथ ही रहेगा ना उसके घर पर। तो माँ बेटी को इन झूठ मूठ के रिश्तों पर वक्त बर्बाद करने की गंदी आदत है। साहब अगर माई चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? हाँ, आप तो मेरी हालत जानती हो ना। मेरे पल्लवी, बीमारी का नाटक करते करते खुद को बीमार समझने लगी हो क्या? हमें तो दूसरी चिंता हो रही है। अगर अनुप्रिया के पीछे पीछे कल्याणी भी ये घर छोड़कर गई तो पोती डीएम होने का हमारे कारोबार में बहुत फायदा हो रहा था। नहीं नहीं अनुप्रिया, हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। भले इस आदमी को इस वाड़े में रहने की अनुमति क्यों न देनी पड़े, अब क्या करे? बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। सही कहा आपने अवसर, बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। अब देखिए ना, आपको ये कितनी बड़ी गलत फहमी है कि आप मुझे यहाँ पे रहने के लिए कहकर मुझ पर कोई उपकार कर रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे जैसा आदमी अगर इस घर में रहेगा तो वो आप लोगों का सौभाग्य होगा। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ रुकूंगा तो यहाँ पे बड़े और नामचीन लोगों का आना जाना लगा रहेगा। हाँ, मानता हूं कि अभी आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया है, लेकिन लेकिन औकात और रुतबा खत्म हो गया है। एक जमाना हुआ करता था जब पूरा गांव आओ साहेब के नारे लगाया करता था, लेकिन आज आज तो आपका पड़ोसी भी आपको नहीं पूछता। ये हैसियत है आपकी। बस बस कीजिए, आपके कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आओ साहेब, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। काका, अच्छा हुआ कल्याणी तुम आ गए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये लो पकड़ो, और ये क्या? अरे क्या हो रहा है ये सब? मैं बताता हूँ क्या है ये सब। तुम अपने काका का वेलकम कर रही थी, तुम्हारी आई का सुहाग वापस लौट कर जो आ गया। अनुप्रिया, तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। खैर, अब तुम्हारी आई को डिसाइड करना है कि वो मेरे साथ मेरे आलिशान घर में रहना चाहती है या फिर यहाँ इस। मेरी आई कहीं नहीं जाएगी। कल्याणी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई, एक सेकेंड। मैं अच्छी तरह जानती हूँ काका कि आप यहाँ क्यों रहना चाहते हैं, और सब कुछ जानते हुए भी मुझे आपका यहाँ रहना मंजूर है। लेकिन मैं मेरी आई को तो कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक से दबा।
क्या हो गया? हाँ हाँ, तुम्हें जोर नहीं है क्या? अम्मा बहुत भूख लगी है। तो मैं क्या करूँ? वो आज मेरा व्रत है इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, वहां जाके देख, कुछ सुबह का होगा तो खा ले, और अगर कुछ नहीं है तो पानी पी, और वो गमछा है ना उसे पेट में बांध ले, भूख से ध्यान हट जाएगा तेरा। जा। खाना तो कुछ भी नहीं है, अब अम्मा की भी क्या गलती है? अम्मा को शायद ध्यान नहीं रहा होगा कि मेरे लिए खाना बनाने को है। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुरमई अखियों में तो बहुत लगी है, एक सपना दे जा रे। आँखें उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। भूख लगी है ना तुझे? हाँ बहुत भूख लगी है। एक काम कर, वो बाल्टी है ना, वो बाल्टी ले और नलके पे जाके पानी के लिए खड़ी हो जा। जा, भूख से ध्यान हट जाएगा तेरा। अभी तो सुबह होने को बहुत टाइम है ना। अरे अभी जाएगी तो टांगे टूट जाएगी तेरी, कल देर से आई थी ना तो पानी भरना नहीं हुआ था। अभी मत भेजो ना, बहुत भूख लगी है। अरे बहस करती है मेरे साथ, थप्पड़ मारू क्या? ठीक है मैं जाती हूँ। मगर कुछ पहचाना सा हल्का फुल्का शबनमी, रेशम से भी जल्दी जा। रेशमी सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। निंदिया के उड़ते पाखी रे, बहुत ही भूख लगी थी बाबा। अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू। क्या हुआ कल्याणी, खाना क्यों नहीं खा रही हो? देखो कल्याणी, अगर तुम्हें सार्थक की बातों की चिंता हो रही है ना तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे होते हुए वो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है आई, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हाँ मैं काका की बात की वजह से भी परेशान हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझे उस बच्ची मुक्कू की इतनी याद क्यों आ रही है। पता है जब वो आसपास होती है ना तो दिल में एक अजीब सी राहत महसूस होती है, एक अजीब सा कनेक्शन। पता है उस बेचारी के माँ बाप नहीं है, बहुत ही बुरे हालात में रहती है वो। आई होप उसकी अम्मा ने उसे खाना तो दिया होगा ना। सच्चा कोई सपना दे जा, मुझको कोई अपना दे जा। ए चुप नहीं रे, क्या गुर 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 कर रही है? खाना
खाना नहीं है तो किधर से लाऊं? किधर से डालूं तेरे अंदर? पहचाना सा हल्का फुल्का शबनमी एड़े पेड़े रेशम से भी रेशमी सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे रे। ये टिंगो का पैकेट तो पूरा ही खाली है। दिया के उड़ते क्या रे गणपति बप्पा, बाकी लोगों की तरह मेरे को आई क्यों नहीं दिया रे? अगर अभी मेरी आई होती ना तो वो ना मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती। रारी रारू ओ रारी रू गए। तुम बाहर क्या कर रही हो? घर जाओ वापस अपने। आई खो गई है तुम्हारी? हाँ पुलिस अंकल, मेरी आई खो गई है। क्या नाम है तुम्हारी आई का? मेरी आई का नाम संकट। मेरी आई का नाम संकट है। क्या बदतमीजी है ये? अपनी आई को कोई ऐसे बुलाता है क्या? दोबारा अपनी आई को उस नाम से बुलाया ना जेल में डाल दूंगा। मेरी आई का नाम वैच है तो मैं क्या करूँ? और बच्ची समझ के मेरे को बहुत दोस्त जमाता है क्या? अच्छी वाली आंटी को ना तेरा नाम बता दूंगी। वो ना बहुत बड़े ऑफिस में बैठती है, सारी पुलिस लोग ना उनको ऐसे करके सलाम करते हैं, टका टक टका टक। अच्छा तो तुम वही लड़की हो ना जो कल्याणी के ऑफिस में थी उस दिन? अरे आप गुस्से वाली अंकल, क्या बोलती पब्लिक, हवा पानी सब सही है ना? हवा पानी में तुम्हारी टाइट करूंगा जेल में डाल के, अगर घर नहीं गई तो, समझी? हाँ ठीक है ठीक है, मत करो मेरी मदद, मैं अपनी संकट आई को खुद ही ढूंढूंगी। सर कौन बोलता? पवार अगर इसे नहीं सुनी ना इसको जेल की हवा खिलाना, घर भेजो इसको। बाप रे, पता नहीं इस लड़की को क्या खा के पैदा किया इसकी माँ ने, और ऊपर से कल्याणी को पता नहीं इस शरारती लड़की में क्या दिख गया कि बार बार उसको ले आती है। चमत्कार, चमत्कार हो गया गणपति बाप्पा मोरिया। अरे अनुप्रिया चमत्कार हो गया गणपति बाप्पा मोरिया, चमत्कार हो गया अनुप्रिया। आज तो क्या हुआ साहब? हमने बाप्पा को दूध का नैवेद्य दिखाया था, बाप्पा ने खुद स्वीकार किया, गणपति बाप्पा ने दूध पी लिया। आओ साहब एक बार मैं बाप्पा को दूध पिला के दिखूं। हाँ हाँ क्यों नहीं। नवरात्र के तीसरे दिन माता पार्वती की पूजा करते हैं। हाँ। और आज तो अपनी आई के साथ गणपति जी भी अपने घर आ गए। जाओ जाओ। हाँ। सबको बुला कर लेकर आ। माफ करा गणपति बप्पा। साहब वो पाइप ठीक से लग गया ना? डेकोरेशन कैसा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। अब देखना पल्लवी हमारे कहने पर अभी कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो वकील क्या कह रहा था? हमें कोई पूछता नहीं है, हमारे आस पड़ोस वाले हमें पूछते तक नहीं है। अब उसे पता चलेगा हमारा क्या मान है, हमारा क्या ओहदा है। काकी की, थोड़ा सा दूध दे दो ना, मेरी अम्मा का उपवास है, उन्हें कल से कुछ नहीं खाया। ये दूध भगवान के लिए है। हम सब भी तो भगवान के ही बच्चे हैं ना, भगवान के बच्चे को थोड़ा सा दूध दे दोगी तो भगवान भड़क थोड़ी ना जाएंगे। ए लड़की बड़ी बड़ी बातें मत कर, चल जा यहाँ से,
अहिल्या निवास में आज भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रहा है। जा अपनी अम्मा के लिए उन्हीं से दूध मांग ले, जा जा। चलो चलो। भगवान सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। फिर तुम्हें बप्पा से भी बोल सकती हूँ कि मेरी आई को ढूंढ के दे दो। गणपति बप्पा, मैं आ रही हूँ।